हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ऑफिसर स्टडी। गाइस, हमारा आज का टॉपिक है ओलिगोहाइड्रामनियोस। और बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ मेरे जो नर्सिंग ऑफिसर स्टडी नाम से जो पेज है इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर मैसेजेस आए थे। एक बार मैंने पूछा था स्टोरी में कि क्या क्या टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं, तो काफी लोगों के मैसेज आए थे, ज्यादातर ओबीजी से थे। तो मैं कोशिश करूंगी कि बहुत जल्द सारे टॉपिक्स पर मैं वीडियोस बनाकर अपलोड कर सकूं, और बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, इसलिए आज मैं ऑन ड्यूटी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं अभी ब्रेक टाइम में। तो आज का टॉपिक जो इस वीडियो में मैंने लिया है वो है ओलिगोहाइड्रामनियोस। तो देखिए, पहले मैं आपको तीन चीजें बता दूं, उसके बाद जैसे पॉलीहाइड्रामनियोस की भी वीडियो मैं बनाऊंगी। इसमें हम तीन चीजें देखते हैं मेनली, वर्टिकल पॉकेट, ठीक है, AFI क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स एंड परसेंटाइल में, ठीक है। तो ओलिगोहाइड्रामनियोस की डेफिनेशन पहले हम देखते हैं, इसमें क्या होता है, व्हेन एमनियोटिक फ्लूइड या लिक्विड एमना इज डेफिशिएंट, और कितना डेफिशिएंट होगा वो, लेस देन 200 ml, 200 ml से कम जब एमनियोटिक फ्लूइड होगा तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ओलिगोहाइड्रामनियोस। और जो तीन चीजें मैंने इसमें बताई थी, तो सबसे पहले लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट का साइज कितना होगा, कितने सेंटीमीटर की होगी वो, लेस देन 2 cm। और AFI यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कितना होगा, लेस देन 5 cm। और परसेंटाइल में कितना, लेस देन 10th percentile। तो ये चार चीजें इसमें याद रखनी है ओलिगोहाइड्रामनियोस में। लिक्विड एमना इज डेफिशिएंट, कितना डेफिशिएंट, लेस देन 200 ml। लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट इज लेस देन 2 cm। AFI इज लेस देन 5 cm एंड लेस देन 10th percentile। ये हमारा क्या हो गया, ओलिगोहाइड्रामनियोस। अब देखते हैं इसकी इटियोलॉजी या इसके रीजन, कारण क्या है ओलिगोहाइड्रामनियोस के कारण। और ज्यादातर ओबीजी में जो भी टॉपिक्स हम पढ़ते हैं ना, उनको आप दो में डिवाइड करके करना, उसमें आपको अच्छे मतलब मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। जैसे एक तो फीटल और एक मैटरनल। फीटल कंडीशन की वजह से क्या क्या कारण है जो कि ओलिगोहाइड्रामनियोस कोज कर सकते हैं, और दूसरा मैटरनल कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं जिसमें कि ओलिगोहाइड्रामनियोस के चांसेस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फीटल कंडीशंस। फीटल कंडीशन में सबसे पहले आता है, अगर बच्चे को कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी है तो ओलिगोहाइड्रामनियोस के चांसेस हैं। दूसरा है एनी रीनल एनोमलीज, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एबनॉर्मैलिटी है, ठीक है, तो क्या होगा, ओलिगोहाइड्रामनियोस। या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड यूरोपैथी है। नेक्स्ट वन इज स्पॉन्टेनियस रेंज ऑफ मोशन, ROM, या फिर कोई भी ड्रग्स ऐसी दी गई हो जिसकी वजह से कि उसका साइड इफेक्ट हो गया हो कि एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया। और कंजुनाइटल एनोमलीज जैसे रीनल एजेनेसिस, रीनल डिनोट करता है किडनी को, एजेनेसिस मींस फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ए मींस एब्सेंस, ठीक है, तो किडनी का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रीनल एजेनेसिस मतलब कैसे अफेक्ट करेगा इसको, कैसे वो ओलिगोहाइड्रामनियोस कोज करता है, तो उसके लिए जो फीटल यूरिन है दैट इज आल्सो अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है फीटल यूरिन। और फीटल यूरिन नॉर्मल कब आएगा, जब किडनीज प्रॉपरली फंक्शन करेंगे, है ना। तो अगर रीनल एजेनेसिस है, रीनल फॉर्मेशन नहीं हुआ या इम्प्रॉपर फंक्शनिंग है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यूरिन आउटपुट नहीं होगा अच्छे से, है ना, यूरिन एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ओलिगोहाइड्रामनियोस। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको ये कि क्यों होगा रीनल एजेनेसिस से, क्योंकि एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है ये एमनियोटिक फ्लूइड का फीटल यूरिन। और फीटल यूरिन एब्सेंट अगर हो जाएगा या एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा या कम होगा, तो उस कंडीशन में ओलिगोहाइड्रामनियोस हो सकता है। तो ये तो थे कुछ फीटल कंडीशंस। अब हम देखते हैं मैटरनल कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं जिसकी वजह से ओलिगोहाइड्रामनियोस कॉज हो सकता है। सबसे पहले अगर मदर हाइपरटेंसिव है, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है, तो ओलिगोहाइड्रामनियोस के चांसेस हैं। डिहाइड्रेशन होगा तो भी लिक्विड एमनाई कम हो सकता है जिसकी वजह से कि ओलिगोहाइड्रामनियोस हो सकता है।
या फिर यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, यूट्रस और प्लेसेंटा इन दोनों की फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से कि प्रॉपर फंक्शनिंग ना होने की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड जो नॉर्मल बनना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ओलिगोहाइड्रोमियोस। और फोर्थ क्या होगा, इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब होता है कि द रीजन इज अननोन, हमें रीजन का नहीं पता है कि भी एक्चुअल रीजन क्या रहा जिसकी वजह से ओलिगोहाइड्रोमियोस हो गया। और क्या कॉजेस हो सकते हैं, अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जिसकी वजह से कि ओलिगोहाइड्रोमियोस हो सकता है, और पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी यानी कि पोस्टम, जब जेस्टेशनल वीक जो है वो नॉर्मल से आगे चला जाता है तो क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड कम होने लग जाता है, तो और उसकी वजह से भी फीटल की मूवमेंट कम हो जाती है। तो पोस्टम प्रेगनेंसी या पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी में भी ओलिगोहाइड्रोमियोस देखने को मिलता है। तो ये थी फीटल एंड मैटरनल कंडीशन जिसकी वजह से ओलिगोहाइड्रोमियोस होता है। अब हम बात करते हैं ओलिगोहाइड्रोमियोस के साइन एंड सिम्टम्स की। तो सबसे पहले जो यूट्रस है उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, छोटा दिखेगा। क्यों? क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड अगर कम है तो वो ऑब्वियसली उसका साइज छोटा दिखेगा, यूट्रस अपीयर स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, सेकंड क्या होगा, एब्डोमिनल गर्थ कम होगी, साइज कम है तो ऑब्वियसली एब्डोमिनल गर्थ जब हम मेजर करेंगे तो वो भी दैट विल बी लेस देन द नॉर्मल। फिर थर्ड है, फीटल मूवमेंट्स विल बी रिड्यूस्ड, फीटल मूवमेंट्स कम हो जाते हैं। अब हम देखेंगे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है, ओलिगोहाइड्रोमियोस की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो कॉम्प्लिकेशंस में भी हम फर्दर क्या दो में डिवाइड करेंगे, फीटल एंड मैटरनल। तो कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं हम, फीटल में क्या क्या होंगी, एक तो एबोर्शन हो सकता है। देखो अगर ओलिगोहाइड्रोमियोस है, एमनियोटिक फ्लूइड भी एक सफिशियंट अमाउंट में चाहिए ना, जो भी कंडीशन अगर एबनॉर्मल हो गई तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो वो हार्म करेगी बच्चे को या और मदर को भी। जब एमनियोटिक फ्लूइड तो नॉर्मल जितना होना चाहिए फ्लूइड अगर उतना नहीं है, नॉर्मल से कम है, तो बच्चे की मूवमेंट भी अफेक्ट होगी, हर चीज अफेक्ट होगी। ठीक है, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सब कुछ अफेक्ट होगा, तो उसकी वजह से बेबी अबोर्ट भी हो सकता है। दूसरी चीज कोड कंप्रेशन, एक तो मान लो ऐसे एग्जांपल के लिए ऐसे मैं बता रही हूँ, मान लो इतना स्पेस लेगा अगर एमनियोटिक फ्लूइड है नॉर्मल तो, और अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम है, कम हो गया तो स्पेस कम हो गया बच्चे के लिए, स्पेस कम हो गया ये, ठीक है, बच्चे की मूवमेंट अच्छे से नहीं हो गई, सब बिल्कुल कंजेस्टेड हो गया, तो उससे क्या होगा, कोड कंप्रेशन के चांसेस है, कोड जो है कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, और थर्ड कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाए, हाई फीटल मोर्टेलिटी होगी। तो ये हो गए फीटल के कॉम्प्लिकेशन। अब हम देखेंगे मैटरनल के कॉम्प्लिकेशन। मैटरनल में क्या कॉम्प्लिकेशन होंगी, प्रोलॉन्ग्ड लेबर, दैट मे बी ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, मूवमेंट ठीक से नहीं हो पा रही, इनएबिलिटी टू मूव। मूवमेंट क्यों नहीं हो पा रही, ओलिगोहाइड्रोमियोस है, ऑलरेडी फ्लूइड कम है तो बच्चे के लिए स्पेस भी कम हो गया है ना, तो प्रॉपरली वो मूवमेंट नहीं हो पाएगी बच्चे की, जिसकी वजह से कि क्या होगा, लेबर प्रोसेस जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। और सेकंड कॉम्प्लिकेशन क्या है, इंक्रीज्ड ऑपरेटिव इन्फ्लुएंस, ऑपरेशन सर्जरी के करने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों, ड्यू टू माल प्रेजेंटेशन। माल प्रेजेंटेशन होगा, क्यों होगा, प्रॉपर पोजिशनिंग नहीं हो पा रही, मूवमेंट नहीं हो पा रही बच्चे की, है ना, ये सब चीजें तो अफेक्ट हो रही है, तो उसकी वजह से नॉर्मल लेबर प्रोसेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं और सर्जिकल यानी कि सीएस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम देखेंगे ओलिगोहाइड्रोमियोस का ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट में सबसे पहले तो हमें फीटल हार्ट साउंड चेक करना होता है, FHS। ठीक है, फीटल हार्ट साउंड कितना है, नॉर्मल है नहीं है, रेट फीटल हार्ट रेट कितनी है, और इसमें एक इंजेक्शन का नाम याद रखना होता है जो कि बहुत जरूरी है, वो है इंजेक्शन हरमिन। इंजेक्शन हरमिन क्या करता है, फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसमें क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड तो कम हो गया तो उस फ्लूइड वॉल्यूम को हमें बढ़ाना है और उसके लिए हेल्पफुल होता है इंजेक्शन हरमिन। तो ओलिगोहाइड्रोमियोस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, इंजेक्शन हरमिन। ठीक है, और दूसरी चीज मदर को एडवाइस किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, वो एडवाइस फॉर ओरल इनटेक ऑफ वॉटर एज मच एज पॉसिबल। थर्ड थिंग इसमें होती है एमनियो इन्फ्यूजन ऑफ 300 ml ऑफ वॉर्म सलाइन सॉल्यूशन।
वॉर्म सलाइन सॉल्यूशन 300 ml, इसका एमयू इन्फ्यूशन दिया जाता है मदर को। तो ये कुछ ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं जो कि अपनाई जाती हैं ओलिगो हाइड्रामनियोस को ट्रीट करने के लिए। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, सेम नाम से इंस्टाग्राम पर पेज है जहाँ की मैं डेली कोई ना कोई इमेज या मतलब कोई भी इंफॉर्मेटिव पोस्ट मैं वहाँ पर डेली शेयर करती हूँ। अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक जिस पर कि आप पहले वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी मैं वीडियो ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द एक और नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।